जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसा आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने आपसे बोला है कि आप नेक्स्ट टाइम विंडोज 11 को इंस्टॉल करिएगा तो बिना इस वीडियो को देखे मत करिएगा, क्योंकि आप विंडोज 11 जब नॉर्मल तरीके से करते हैं तो आपको कई सारी प्रॉब्लम आती है। नंबर वन, आपको जो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास करना पड़ता है, और जब बाईपास कर लेते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑप्शन आता है जो कि बहुत अनॉइंग होता है। इसके बाद फाइनली जब आप सारा सब कुछ कर लेते हैं और विंडोज 11 का डेस्कटॉप देखने को मिलता है तो वो फुल होता है ब्लोटवेयर के साथ। बहुत तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको नहीं चाहिए, फिर भी वो हैं आपके विंडोज 11 में। और इसके बाद जब आप टास्क मैनेजर में अपना परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सीपीयू और रैम यूटिलाइजेशन होता है। इवन अगर आप प्रोसेस थ्रेड काउंट वगैरह भी देखोगे तो हैंडल काउंट वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जबकि आप कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो गाइस मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप इस तरीके से विंडोज 11 को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको क्लीन इंस्टॉलेशन रहेगा। आप देख लो मेरे स्क्रीन पे राइट नाउ, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह बाईपास कर देगा, हार्डवेयर चेक बाईपास कर देगा, और जब फाइनली विंडोज 11 का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा तो कोई भी ब्लोटवेयर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसके अलावा जब आप परफॉर्मेंस चेक करोगे तो परफॉर्मेंस में आप देख लो गाइज, इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको ज़रूर से याद आ गया होगा किसी तरह का कस्टम आईएसओ, लेकिन हम यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी कस्टम आईएसओ का यूज़ नहीं करेंगे। और आप जो है अपनी खुद की एक ऑफिशियल विंडोज 11 की आईएसओ को यहाँ पे डिब्लोड करके कस्टमाइज करके एक ऐसी विंडोज 11 की आईएसओ बना सकते हैं जो कि आपके लाइट वेटेड होगी, सेफ होगी, और उसके बाद जब आपको परफॉर्मेंस वगैरह का जो इश्यूज आता था पहले वो अब आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो बहुत इजी मेथड है गाइस, मैं आज आपको जो तरीका बताऊंगा इसमें बहुत कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल सी एक ट्रिक अप्लाई करनी है और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको विंडोज 10 या 11 के आईएसओ को डाउनलोड करना है, जिसको भी आप यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो दैट्स गुड, नहीं है तो बस अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करिए और विंडोज 11 आईएसओ डाउनलोड यहाँ पे टाइप करिए। पहले आपको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का, इसको ओपन करिए। नीचे आने पर ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करिए, मल्टी एडिशन चूज करिए, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करिए, और उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट लैंग्वेज वगैरह है उसे आप चूज करिए। एंड फाइनली आपको यहाँ पे क्लिक करना है 64 बिट पे और इसकी डाउनलोडिंग इधर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप है, आपको आईएसओ डाउनलोड करके रखना है, तो क्योंकि तभी हम इसको यहाँ पे कस्टमाइज और डिब्लोड कर पाएंगे। अब इतना करने के बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे डिब्लोड करना है, इसे लाइट वेटेड बनाना है, और इसके यहाँ पे कई डिफरेंट तरीके हैं। नंबर वन, आप क्या कर सकते हो, एक ऑटो ऑन एट एंड डॉट एक्सएमएल फाइल का एक ऑप्शन होता है गाइस, जो कि रिकमेंडेड है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे भी। अगर आप इसके साथ जाना चाहो तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इधर आने पे देखो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लाइक जो भी आपको रीजन और लैंग्वेज सेटिंग चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। फिर नीचे आने पे देखो बाईपास सेटिंग वाला बता रहा है, तो आप बाईपास करा सकते हैं विंडोज 11 रिक्वायरमेंट को। अलाउ विंडोज 11 टू बी इंस्टॉल्ड विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। फिर नीचे आने पे देखिए कितने आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। और नीचे आने पे रिमूव ब्लोटवेयर वाला भी ऑप्शन है, तो ये सारे ब्लोटवेयर आप बाय डिफॉल्ट हटा सकते हैं, बस इन सब को आपको यहाँ पे चेक करना है। एंड उसके बाद अगर किसी तरह की स्क्रिप्ट वगैरह आप रन कराना चाहते हैं, लाइक क्रिस टाइटस की स्क्रिप्ट है, कोई पावर शेल की स्क्रिप्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रिप्ट है, जो आपका बेसिकली कस्टमाइजेशन वगैरह के लिए होता है, जैसे मैंने एक बैट फाइल बनाई थी पिछली वीडियो में सर्विसेज को डिसेबल करने के लिए, तो उसको भी आप यहाँ पे अटैच करा सकते हैं। तो ये एक मैनुअल मेथड है गाइस, आपको इस मेथड में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक डेवलपर है, एक यूट्यूबर है मेमोरी टेक टिप्स के नाम से, उन्होंने अपने गिटहब पेज पे इसको ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली इसको कस्टमाइज और डिब्लोड किया है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है आपका मैम टेक्टिक्स के नाम से और अनअटेंडेड विन इंस्टॉल की फाइल है, और यहाँ पे आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इधर कोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना, डाउनलोड जिप पे करना, और ये डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल में। इसको यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करा लेंगे। अब एक्सट्रैक्ट कराने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में ये भी सवाल आए कि क्या ये फाइल आपकी सेफ है कि नहीं है। आप इस फाइल को या तो वायरस टोटल में आप इसको
अपलोड करके चेक कर सकते हो, या तो आप एक कोड एडिटर के जरिए से आप इस फाइल को जहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि ये फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, सेफ है कि नहीं है। मैंने ऑलरेडी गाइस टेस्ट किया है, कुछ भी यहाँ पे सस्पिशियस नहीं है, बहुत ही रेपुटेटेड ये जिन्होंने भी अपलोड किया है डिड अ ग्रेट जॉब। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस फोल्डर को ओपन करिए और इधर देखो ऑटो अनअटेंडेड डॉट एक्सएमएल वाली फाइल आपको देखने को मिलेगी, और इसको चेक करने के लिए इस पर आप राइट क्लिक करो और एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर आता है गाइस कर्सर के नाम से, आप इसको सर्च कर लेना। और कर्सर को डाउनलोड करने के बाद इसके बेनिफिट ये हैं कि आप किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हो, आप इसको व्यू कर सकते हो, और इसमें कुछ एआई फीचर वगैरह भी हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, कर्सर से ओपन करूँगा, और ये देखिए हमारा कर्सर एडिटर ओपन हो गया है। अब इधर जितनी भी फाइल है गाइस, जितने भी लिंक इंसर्टेड हैं, क्या क्या इसने डिसेबल किया है, क्या इनेबल किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप इसे टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनली जब आप सारी टेस्टिंग कर लेते हो तो थर्ड स्टेप में आपको डाउनलोड करना है रूफूज का सॉफ्टवेयर। तो गाइस यहाँ पे देखिए तीन स्टेप इजी हैं, पहला आपको डाउनलोड करना है आईएसओ फाइल, सेकंड ऑटो अनअटेंडेड की फाइल आपको डाउनलोड करनी है जो कि आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, और या तो आप इसे डायरेक्टली ऑटो अनअटेंडेड वाली जो मैम टेक्टिक वाले पेज पे अवेलेबल है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के लिए। और फिर थर्ड स्टेप में रूफूज को डाउनलोड करना है ताकि हम एक बूटेबल यूएसबी ऐप बना पाए। रूफूज के सॉफ्टवेयर पे आइए और पहले लिंक पे आप क्लिक करिए, और इसके बाद इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे डिवाइस सेक्शन में जिस भी आप पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कराइए, और बूट सिलेक्शन में जहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करिए, और जहाँ पे भी आपने विंडोज 10 या 11 के आईएसओ को डाउनलोड किया है उसे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इतना करने के बाद वॉल्यूम लेवल आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ डिब्लोटेड आईएसओ, ये आपके ऊपर है, आप इसे कुछ भी दे सकते हो। एंड उसके बाद फाइनली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ पे दोबारा से रूफूज का पेज आएगा जो बोलेगा रिमूव रिक्वायरमेंट। तो हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर ली हैं और ये ऑटो अनअटेंडेड फाइल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो इन सबको आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हो, और अनचेक करने के बाद बस स्टार्ट पे आप क्लिक करो और ये प्रोसेस देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको गाइस वेट करना है जब तक कि एक बूटेबल यूएसबी तैयार ना हो जाए विंडोज 10 या 11 की, और जैसे यहाँ पे तैयार हो जाता है तो ये देखिए ये यूएसबी हमारी तैयार है, इसको यहाँ पे हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद सारी देखिए विंडोज की फाइल आपको देखने को मिलेगा बूट ईएफआई सोर्सेस। अब आपको सिंपल काम क्या करना है, जो ऑटो अनअटेंडेंट की फाइल आपने डाउनलोड करी थी उसी फाइल को बस यहाँ पे आपको होम पेज पे यहाँ पे आके इसको पेस्ट करा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहाँ पे डाउनलोड करी थी, डाउनलोड सेक्शन में, तो इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ये रही हमारी फाइल, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे या कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। दोबारा से जाते हैं उसी पेन ड्राइव में बूटेबल यूएसबी में, और बस इस फाइल को यहाँ पे आपको पेस्ट करा देना है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है गाइस, जैसे आप नॉर्मल बूटेबल यूएसबी बनाते हैं बस उसी में आपको ये ऑटो अनअटेंडेड फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड करा देना है, और ऐड करने के बाद बस काम खत्म। आप इसके बाद अब जब नेक्स्ट टाइम आप इसे बूट कराएंगे किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कराते हैं, तो अब आपका जो विंडोज 11 या 10 इंस्टॉल होगा वो डीब्लोटेड होगा, लाइट वेटेड होगा, विदाउट एनी ब्लोटवेयर होगा, और कुछ कस्टमाइजेशन के साथ भी होगा। तो मैं क्या करूँगा गाइस, इस बूटेबल यूएसबी को किसी अदर डिवाइस में प्लग इन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन और उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद ये कैसा लगता है, क्या इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो हम, मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन ले रहा हूँ, प्लग इन करूँगा, यूएसबी से बूट करूँगा, और बूट होने के बाद विंडोज का लोगो आएगा और बेसिक पेज वगैरह यहाँ पे आएगा। और शुरू में गाइस यहाँ पे आप देखोगे बस मुझे यहाँ पे कौन सा एडिशन चूज करना है वो चूज करना है, पार्टीशन चूज करनी है, तो पार्टीशन मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद देखिए हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में गाइस कहीं भी आपसे ये जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए नहीं पूछेगा, सब कुछ बाईपास कर देगा। और ये देखिए हमारा यहाँ पे इंस्टॉल भी हो रहा है, और ये देखिए फाइनली अब हमारा विंडोज 11 इंस्टॉल हो गया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। और अगर आप इधर देखोगे गाइस तो टास्क बार में भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइक जितनी भी फालतू की चीज़ें वो रिमूव हो गई हैं और टास्क बार हमारा मूव हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड में।
नाउ इसके अलावा अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप पे, तो नया वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी गायब है, ओल्ड वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, अगर मैं किसी एप्लीकेशन पे भी राइट क्लिक करता हूँ तो ये पुराना वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं विंडोज लोगो पे क्लिक करूँ तो ये देखिए, इधर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेज, पेंट सेक्शन रिकमेंडेड में बहुत ही ना के बराबर चीज़ें हैं, तो ये भी नीट एंड क्लीन हमें देखने को मिल रहा है। और फिर मैं अगर यहाँ पे ऑल ऐप पे क्लिक करूँ तो ये देखिए यार, ना के बराबर है एप्लीकेशन है यहाँ पे, सिर्फ विंडोज सिक्योरिटी, विंडोज बैकअप, विंडोज टूल, फाइल एक्सप्लोरर, यही आपको देखने को मिल रहा है, बाकी सारी फालतू की चीज़ें आपके यहाँ पे डिसेबल्ड है। अब चलिए इसकी सेटिंग्स भी देखते हैं, तो सेटिंग को ओपन करेंगे और विंडोज सिक्योरिटी भी मुझे देखिए यहाँ पे प्रॉपरली आपके वर्क कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिसेबल होंगी। हाँ, अगर आप एडिशनली से डिसेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके लिए मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। विंडोज अपडेट भी प्रॉपरली आपका काम करेगा, चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके आप इसे भी टेस्ट कर सकते हैं। अब आती है सबसे मेन बात गाइस, परफॉर्मेंस, तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे और जाते हैं परफॉर्मेंस में, एंड बूम गाइस, तो अभी आप देख लो यहाँ पे जो आपका यूटिलाइजेशन है, प्रोसेस काउंट आ चुका है 83, और ये जनरली एक फ्रेश विंडोज में अराउंड 130 के ऊपर होता है, 128-135 के आसपास होता है। तो ये अब आ चुका है हमारा 83 के आसपास, और थ्रेड अराउंड 1400 है, हैंडल काउंट अराउंड 40,000 है, जो कि अप्रॉक्स होता है 53,000 या 54,000 के आसपास। तो अगर आपने गाइस मेरी वीडियो देखी होगी, तो अगर आप कंपेयर करो कि जो आपको एटलस में ऑप्टिमम 11 में मिलता था, उतना तो नहीं लेकिन करीब करीब उतना ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है, और हम यहाँ पे किसी भी तरह की कस्टमाइजों का यूज़ नहीं कर रहे। तो ये एक बेस्ट पार्ट है गाइस, और इसीलिए मैंने बोला कि जब नेक्स्ट टाइम आप विंडोज को इंस्टॉल कराइएगा तो बस एक छोटी सी फाइल को बस उसमें ऐड करा लीजिए और काम खत्म। उसके बाद आपके जेन्युइन विंडोज 11 और 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अब आपको इस तरह का परफॉर्मेंस और इस तरह का फीचर देखने को मिलेगा। अब गाइस, अगर आप यहाँ पे ऑटो अनअटेंडेंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड करें उस गिटहब पेज से, और खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद अपनी यहाँ पे आईएसओ को क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही, होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मिस करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।